के भी देवता हैं, गंधर्वों के भी देवता हैं और देवताओं के भी देवता। केवल आप ये ना सुनिए या ये ना समझिए कि आप कहेंगे तो शिव सुनेंगे, शिव सबकी सुनता है। सबकी फिर कहेंगे कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं। बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हैं, तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिसकर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो, शंकर भगवान को उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल और निकाल कर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख, छोटी छोटी। डॉक्टर आपके घुटने बदलने को कहता है, डॉक्टर आपकी कमर में हड्डी में गैप बता देता है, डॉक्टर कह देता है कि आप चल नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो नीचे बैठ नहीं सकती थी, तो भी शिव महापुराण की कथा में बैठ रही है।